सोलर सेल एक फिर से जंक्शन डायोड है जो फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करता है एंड कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फोटो डायोड की तरह ही है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और इसका प्रिंसिपल जो बेस्ड है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है जिसमें जनरेशन ऑफ वोल्टेज है ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटोन है, तो वोल्टेज जनरेट होती है फोटोन्स को घेर के। तो पहले आपने ये लिखना है सोलर सेल में, दो नंबर में आएगा। फिर आपने ये डायग्राम बनाने हैं सोलर सेल में। आपने डायग्राम में क्या बनाना है, एक पीएनपी जंक्शन बनाना है, पीएन जंक्शन बनाना है। पीएन जंक्शन के इसके छत के ऊपर मेटल का बना हुआ हाथ है, ऐसे मेटल बना हुआ है, इसको बोलते हैं मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड है। और ये भी मेटल का बना हुआ है, बैक कॉन्टैक्ट मेटल का बना हुआ है। इसके अंदर N की जो लेयर है, थिकनेस है, वो बहुत बहुत पतली है। कितनी पतली है अंडरलाइन कर ले, 0.3 माइक्रोमीटर की है, सिर्फ 300 माइक्रोमीटर की, बहुत पतली है। अगर आप छतों पे देखें सोलर पैनल जो लगे होते हैं घरों के ऊपर, उसमें क्या होता है, उसके ऊपर सिल्वर कलर की वो कोटिंग करी होती है, वो N है, वो बेसिकली N है जिसकी लेयर बहुत पतली है। इसलिए ताकि मैं ये चाहता हूं कि फोटोन उसके ऊपर गिरे और फोटोन जंक्शन तक चले जाएं। अगर ये मोटी बना देंगे जंक्शन में पेनिट्रेट करके पहुंचेगी नहीं, तो जंक्शन तक जाने का मतलब ये लेयर बहुत पतली होनी चाहिए। तो आपने एनपी बना दिया, जैसे ही जंक्शन पे फोटोन गिरे सिलिकॉन के बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटे यानी कि फोटोन की एनर्जी सिलिकॉन की या जो भी उसमें मटेरियल यूज कर रखा है उसके बैंड गैप से ज्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज हुआ यहां पे मेटल का बना हुआ नीला सा हाथ है, तो फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज हुआ वो इस मेटल की सरफेस के ऊपर जाके चढ़ गए। मेटल है ना, उनको पसंद है मेटल, तो मेटल पे जाके चढ़ गए और यहां पर क्या चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, और मेटल के ऊपर क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव। अब सोचो ये नेगेटिव है, यहां से क्या होगी डेफिशिएंसी, पॉजिटिव है। अब सोचो मैं एक बल्ब लेके आता हूं, पूरा दिन यही चलता जा रहा है, सनलाइट आती जा रही है, पूरा दिन इलेक्ट्रॉन टूटते जा रहे हैं, बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चढ़ चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, यहां पॉजिटिव पूरा दिन लग गया, माइनस प्लस डेवलप होता रहता है। आप एक छोटा सा बल्ब ले आए या पंखा ले आए, ज्वाइन कर दिया इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स को, सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन चढ़ा हुआ वापस यहाँ पे आ जाएंगे, फिर सन एनर्जी गिरेगा, सन की एनर्जी आएगी और फिर क्या होगा, फिर बॉन्ड टूटेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ेगा, फिर सर्किट कंप्लीट, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यही सोलर सेल है, पानी गर्म कर लो, बल्ब ऑन कर लो, कुछ भी नहीं करना तो डिपार्टमेंट कहता है कि तुम बिजली वापस कर दो। तो सोलर पैनल्स तभी तो लगे हुए हैं, छः आपके घर की 10 यूनिट बिजली यूज होती है पूरा दिन, आप सोलर पैनल लगवा लें धूप की वजह से 4 यूनिट तो पूरा दिन डेवलप हो ही जाती है, वो 4 यूनिट वापस गवर्नमेंट की लाइन में चली जाती है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, तो आपका नेट बिल 4 यूनिट, 4 चलेगी 6 यूनिट का जाता है। तो पूरा दिन जो है धूप से फोटोन गिरते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ते रहते हैं, होल यहाँ क्रिएट होते रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ईएमएफ डेवलप हो जाती है, यही सोलर सेल है। जैसे मर्जी यूज करो, पंखा चलाओ, बल्ब चलाओ या वापस कर दो, स्टोर कर लो, तभी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, लिखना क्या है, सोलर सेल करता क्या है, फिर बनाना है ये डायग्राम। ये साइड व्यू है एनपी का और ये हाथों के डॉट 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 क्रॉस सेक्शन है ये इसका, एक ही बात है। डायग्राम बनाना है, फिर लिखना है सोलर सेल बेसिकली पीएन जंक्शन है, दैट जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन। तो ये सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे, इसमें मैंने बता दिया आपको, एंड एज द फोटो डायोड पे, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड टू द जंक्शन एरिया। तो नॉर्मली क्या होता है, हमने सिर्फ बायसिंग नहीं की हुई, जबकि फोटो डायोड के अंदर थोड़ी बहुत बायसिंग करते हैं, फोटो सेल के अंदर भी थोड़ी बहुत बायसिंग करते हैं। तो इसके अंदर ये लिख दो, फॉस्फरस सिल्वर का वेफर लगाया जाता है 300 माइक्रोमीटर का इसके ऊपर, और अदर साइड को बैक कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ा जाता है जो कि मेटल का बना होता है। बाकी अपने वर्ड में लिख लो कि भाई ऐसे करके जो फोटोन की एनर्जी है वो बैंड गैप से ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके, और ये भी बना देना कि देखो ये पीएन जंक्शन है जो उसका व्यू था अंदर से ऐसा है, तो इसके ऊपर गिर रहा है, इसके ऊपर गिर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो करंट डेवलप हो रहा है। अपने वर्ड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखने के बाद, अपने वर्ड में करने के बाद, इसकी करेक्टरिस्टिक्स जरूर ड्रॉ कर दो। ये रही सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है जो कि ऐसी हैं, ये ड्रॉ कर दो। आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्यों हैं, क्योंकि जब ओपन सर्किट है, ये आपका एक सोलर सेल है, ओपन सर्किट है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस दौरान जब ओपन है तो करंट नहीं जाएगा इसमें, तो करंट क्या कर रखा है, जीरो। पोटेंशियल क्या है इसमें, मैक्सिमम। जब क्लोज सर्किट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा, जीरो।
तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, सीधा मेंस और नीट में मार्क करने को भी आती है, और आपको अगर 3 नंबर में आ जाए तो इतना कुछ है लिखने के लिए, व्हाट इज सोलर सेल, फिर उसका डायग्राम बना दें, डायग्राम के बाद पीएन जंक्शन डायग्राम बना दें, अपने वर्ड्स में लिख दें, करने के बाद ये बना दें, 3 नंबर तो मिली, इतना कुछ तो लिख दिया, सब कुछ तो लिख दिया इसके बारे में, तो समझ में आ रहा है। तो वैरायटी लिखें, बड़ी बड़ी कहानियां मत लिखें, बड़ी कहानियां पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब कुछ पता, थोड़ा 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 सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सोलर सेल के अंदर एक फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, व्हाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटीरियल फॉर सोलर सेल, हम क्यों यूज करते हैं सिलिकॉन को या गैलियम आर्सेनाइड को जो है सोलर सेल बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि जब सोलर रेडिएशन सोलर सेल पे गिरती है, सन की जब लाइट आती है तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और ये फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी ये रही और ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स जो गिर रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो ये देखा गया कि सोलर की रेडिएशन की जो फोटोन्स हैं उनकी जो एनर्जी है हर फोटोन की बराबर नहीं होती, फोटोन गिरते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी, 1.5 के भी, 2 के भी, 3 के भी, 5 के भी और 0 के भी, फुक्के भी निकलते हैं 0.1 वाले, कुछ नहीं अंदर फोटोन है, अंदर कुछ नहीं, एनर्जी है ही नहीं, तो ऐसी क्वांटिटी थोड़ी कम है, ये नंबर ऑफ इंटेंसिटी है, और 1 वाले काफी ज्यादा है, 1.5 वाले तो बहुत ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम जो रेडिएशन में फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी लाई करती है 1 और 2 के बीच में। तो अब मैं सोलर सेल में मटेरियल ऐसा यूज करूंगा जिसमें जब ये रेडिएशन गिरेंगी तो उनका बैंड गैप 1 और 1.5 और 2 के बीच में हो, क्योंकि ज्यादातर फोटोन इसी एनर्जी के हैं, और ऐसे फोटोन जब इसके ऊपर गिरेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लीज हो जाएंगे, और मैं भी ये चाहता हूँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लीज हो, तो इसलिए इन मटेरियल को यूज किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जैसे मटेरियल का जो बैंड गैप है वो कितना है, सिलिकॉन का 1.1 है और गैलियम आर्सेनाइड का तो 1.5 के आसपास है, 1.5, तो जिससे कि सोलर रेडिएशन की फोटोन भी उसमें वो काफी ज्यादा लाए करते हैं, तो इसलिए उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये रीजन है।